हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको पांच स्टॉक्स बताऊंगा, पांच स्टॉक्स के लेवल बताऊंगा। वो लेवल के ऊपर या नीचे जाते तो वो स्टॉक में अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो आप कल कल यानी कि 14 जुलाई 2022 को अगर वो लेवल के ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो स्टॉक अच्छी रैली दिखाएंगे। तो अभी मैं लेवल बताऊंगा, उससे पहले कल का एनालिसिस कर देते हैं। कल यानी कि जो 13 तारीख का वीडियो है, उसमें अपने तीन स्टॉक बताया था। एक मोंटी कार्लो बताया था। मोंटी कार्लो अपने बाइंग लेवल के ऊपर पहले नहीं गया था, स्टॉप लॉस लेवल के नीचे गया था, तो वो अपना इन्वेलिड सेटअप हो गया था। उसके बाद आप देखोगे दूसरा स्टॉक था केकेसीएल। केकेसीएल में आप देखोगे तो क्या हुआ था, 316 के ऊपर स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई थी, अपना बाइंग कॉल एक्टिव भी हो गया था और स्टॉक 322 जितना गया था और अपना पहला टारगेट का 323 का, तो थोड़े 1 रुपये से अपने रह गए थे और 322 वाला स्टॉक फिर से नीचे गिर गया था। तो उसमें अपना जो स्टॉप लॉस लेवल था 309.80 का, वो ट्रिगर हो गया था। तो अगर आप 316 से 322 मतलब वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो भी प्रॉफिट होता है, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस इसमें काउंट हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और टाटा केमिकल सेलिंग साइड पे दिया था। टाटा केमिकल में क्या हुआ था, 728 के नीचे स्टॉक गया ही नहीं था, तो उसमें अपना कॉल एक्टिव ही नहीं हुआ था। और निफ्टी का कल मैंने प्रेडिक्शन दिया था, आपको बोला था कि निफ्टी को कल बाय करना है 16,000 और 15,950 के बीच में आएगा, तब आप निफ्टी को बाय करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी का आज लो मारा था, 15,950 के करीब ही लो मारा था, यानी कि अपना बाइंग जोन में स्टॉक आ गया था, यानी कि निफ्टी आ गया था। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और आपको बोला ही है कि निफ्टी अभी आने वाले 1 से 10 दिन साइडवेज रह सकते हैं, यानी कि अभी नीचे से निफ्टी फिर से 16,200 16,250 ऊपर की साइड जा सकता है, तो वो अभी देखते हैं कि कब जाता है। तो अभी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर टेलीग्राम पे अगर आप हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इस पे लाइव मार्केट में मैं अच्छे अच्छे ट्रेड देता रहता हूँ, तो आपको अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इसमें मैं चार्ट एनालिसिस भी करते रहता हूँ। देखो आपको यहाँ पे देखोगे तो कुछ ना कुछ मैं अपडेट देता रहता हूँ स्क्रीनशॉट पार के चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी अपने चलेंगे निफ्टी का, तो वही कल बताया था वही सेम रहेगा अपना, ये बाइंग जोन है 16,000 15,950 और 15,900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट अभी निफ्टी ले रहा है, तो आने वाले 2 से 4 दिन में फिर से निफ्टी 16,200 16,250 तक जा सकते हैं, तो वो अपना टारगेट होगा, प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा। तो अभी मैं स्टॉक्स में जाऊंगा, पहले स्टॉक का नाम रहेगा टीआई इंडिया। तो गाइज आपको पता होगा लास्ट जून में टीआई इंडिया को अपने 1521 पे जो डाकोस की सीरीज होती है हर सैटरडे को, उसमें मैंने आपको रेकमेंड किया था, करीब 1521 के करीब किया था, 11 जून का। आप वीडियो देखोगे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 11 जून है वही वीक में मैंने रेकमेंड किया था टीआई इंडिया को, 1521 के आसपास दिया था और इसका टारगेट भी 3,000 के ऊपर का था। लेकिन वो डाकोस में लॉन्ग टर्म में था, लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 12 महीने पोजिशन बना के रखनी पड़ेगी। तो अभी टीआई इंडिया को फिर से बाय करना है, लेकिन ये अपने को इंट्राडे के हिसाब से बाय करना है, यानी कि 1 से 3 दिन आप पोजीशन बना के रखोगे तो स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकते हैं। उसके पीछे का आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि स्टॉक को बाय क्यों करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाय एंड डिप विथ एडीएक्स है। ये टेलीग्राम पे भी मैंने दिया हुआ है, तो टेलीग्राम पे भी ये लाइव मार्केट में दिया था और कॉल एक्टिव भी हो गया था। तो देखो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो टीआई इंडिया। तो स्टॉक कर क्या रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही आया हुआ है। तो पहला रीजन हो गया कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है। दूसरा रीजन आप देखोगे तो जब भी एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 आती है, तो वो स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है और स्टॉक वहां से रिवर्स मारने के बहुत हाई चांस हो जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस में देखोगे तो इसकी वैल्यू 25 के ऊपर थी, यहाँ पे विलियम्स आर की वैल्यू, अपने दो इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हैं, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही होगा। तो देखो विलियम्स आर की वैल्यू यहाँ पे -80 आई, तो स्टॉक ने क्या किया, वहां से लास्ट स्विंग लेके स्टॉक ऊपर चला गया। तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉक के ऐसे मोमेंटम में तो स्टॉक के लास्ट स्विंग लेके फिर से ऊपर चला जाए। तो टीआई इंडिया अपना कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मैंने जब दिया था आज लाइव मार्केट में, तब इसकी विलियम्स आर की वैल्यू -80 यहाँ पे आई थी, तब ये रेड कैंडल बनी थी और रेड कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बोला था 2012 के ऊपर बाय बोला था, और उसने 2015 का ये देखो थोड़ा सा टच करके 2015 गया था, यानी कि अपना 2012 के ऊपर कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो ही चुका था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई और 1960 का स्टॉप लॉस अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ, यानी कि जिसने टेलीग्राम के हिसाब से लिया है वो भी पोजीशन बना के रख सकते हो। अगर किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मिस कर दिया है वो ट्रेड, तो अभी भी आप ले सकते हो, क्योंकि अभी भी तो और सस्ते में मिल रहा है। टीआई इंडिया स्टॉक का नाम है, अभी सीएमपी पे ले सकते हो, क्योंकि कॉल तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है,
अभी आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड ही करना है। तो अभी सीएमपी कितना है, 1991 के करीब है। तो बाय एट ओपन प्राइस, कल जो भी ओपन प्राइस पे होता है, समझो 2000 पे होता है या तो 1980 पे होता है, कहीं पे भी ओपन होता है वह ये स्टॉक को आपको ले लेना है। और स्टॉक में यहाँ से बहुत बड़ी ऊपर की साइड रैली आ सकती है, तो आपको ये स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। जो भी ओपन प्राइस पे होता है वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 1960 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसमें टारगेट आप देखोगे तो 2100 और 2200 का टारगेट आराम से स्टॉक अचीव कर सकता है। टाइम पीरियड लग सकता है एक वीक, यानी कि यहाँ से जब भी आप कल यहाँ पे डेट देख लेना 14 जुलाई है, वहां से आप एक वीक के लिए पोजीशन बना के रखोगे तो स्टॉक में 2200 का भी टारगेट आ सकता है। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे तो 1991 और 1960, यानी कि 30 रुपीज का आपका रिस्क रहेगा, लेकिन सामने आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 200 रुपीज, 210 रुपीज का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। तो अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम रहेगा AIA इंजीनियरिंग। ये स्टॉक को भी बाय करना है, उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि ये स्टॉक को क्यों बाय करना है। तो ये स्टॉक को बाय करने का रीजन प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन यानी कि आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट में 2 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा AIA इंजीनियरिंग। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक क्या क्या रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, आप यहाँ पे भी देखोगे तो सपोर्ट लिया, और अभी एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास से ट्रेड कर रहा है, यानी कि सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने मान सकते हैं कि स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। दूसरा रीजन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जोन बना है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो स्टॉक कर क्या रहा है वहाँ पे, देखो यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है। उसके बाद फिर से रेट रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, यानी कि स्टॉक का ये एरिया से क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, यानी कि उसका पहले सप्लाई जोन था, अभी डिमांड जोन बन सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर गया, लेकिन रिटेस्ट करने नीचे आया, फिर से ये एरिया में आके रिवर्स मारा, यानी कि पहले एरिया से क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था, अभी ये एरिया में आता है ये जो 2300 और 2240 के करीब, तो वहां से स्टॉक रिवर्स मारता है। तो देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स मारने के बहुत हाई चांस है स्टॉक को, और नीचे से उसको ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि अगर स्टॉक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को फॉलो कर रहा है तो कल यहाँ से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के ऐसे ऊपर जाएगा और स्टॉक को ऊपर की साइड फिर से रैली दिखा सकता है। और बहुत हाई चांस है कि उसको यहाँ से आप ऐसे ट्राइंगल भी ड्रॉ करोगे, वो भी कल ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट पॉसिबल है और स्टॉक ऊपर की साइड अच्छी रैली फिर से दिखा सकते हैं। तो आपको इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉक का नाम रहेगा AIA इंजीनियरिंग। सीएमपी अभी देखोगे तो 2265 के करीब है। तो आपको बाय कब करना है, 2300 को ऊपर जाए तभी बाय करना है। आपको ध्यान से सुनना है गाइस, 2300 का लेवल कल क्रॉस करेगा स्टॉक तभी बाय करना है, और 2250 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर कल समझो स्टॉक के स्टॉप लॉस लेवल है 2250 के नीचे पहले ट्रेड करता है तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 2300 का लेवल पहले क्रॉस करेगा तो 2350 और 2400 का लेवल आराम से स्टॉक में 1 से 3 दिन में दिखा सकता है। तो आपको ये स्टॉक को बाय करना है, बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, तो आपको ये स्टॉक को बाय करना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम रहेगा केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन को भी आपको बाय करना है। बाय करने का रीजन इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये स्टॉक को क्यों बाय करना है। तो केपीआई ग्रीन को आपको बाय करना है, उसमें भी आप देखोगे ध्यान से तो स्टॉक कर क्या रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट गाइस, देखो आपको यहाँ पे समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे स्टॉक कर क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम देख सकते हो केपीआई ग्रीन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे कर क्या रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और अभी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो रूल्स कैसा होता है, कोई भी स्टॉक होता है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक करता है समझो, तो उसके वहां पे आपको यहाँ पे सेल तुरंत नहीं करना। अगर इसका लो ब्रेक होता है तब आप इसको सेल करोगे तो स्टॉक नीचे की साइड जा सकता है। लेकिन इसने क्या किया, जो कैंडल ब्रेक किया उसका लो अभी भी ब्रेक नहीं किया, यानी कि अप ट्रेंड अभी भी स्टॉक में चालू है। तो ये स्टॉक को आपको बाय करना है, क्योंकि यहाँ से फिर से स्टॉक ग्रीन कैंडल बना के अगर ऊपर जाता है तो फिर से ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। और आप ध्यान से यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है 728.70, वो लाइन ध्यान से देखोगे तो स्टॉक वो लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर गया, क्लोज नीचे दिया, फिर से ऊपर गया,
ऊपर गया लेकिन क्लोज नीचे दिया, यहाँ पे मतलब बार बार ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोज नीचे दे रहा है, कितनी बार दिया, मल्टीपल टाइम है। यहाँ पे देखोगे तो 729 के नीचे क्लोज दिया, उसके बाद फिर से अभी नीचे गया ऊपर गया यहाँ पे, यानी कि आपको तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करना। अगर 729 का लेवल ब्रेक होता है यहाँ से, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है कल स्टॉक, तभी आपको सीएमपी पे उसको अभी तुरंत बाय नहीं करना, कंडीशनल बाइंग रहेगी। केपीआई ग्रीन स्टॉक का नाम रहेगा। अभी कितना चल रहा है, 717 के करीब चल रहा है। आपको बेचना मतलब बाय कब करना है, 729 के ऊपर बाय करना है, यानी कि जो लाइन ड्रॉ की है समझो, तो 720 लाइन के ऊपर जाएगा, 729 के ऊपर, तो ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड करना चालू कर देगा और फिर से वो अप ट्रेंड में चला जाएगा स्टॉक, और 712 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक का अभी क्लोजिंग प्राइस है 717 और स्टॉप लॉस लेवल है 712, यानी कि ये आने के बहुत हाई चांस है। समझो कि कल स्टॉक 712 के नीचे पहले ट्रेड करना चालू कर देता है तो स्टॉक नीचे भी घट जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इनवैलिड सेटअप की वजह से इसमें एंट्री नहीं करनी। कॉल एक्टिव के लिए 729 का लेवल पहले ब्रेक करना चाहिए ऊपर की साइड, तभी अपने इसको बाय करेंगे। तो गाइज बहुत सारे लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि इसके नीचे अगर जाएगा तो नीचे की साइड भी जा सकता है, लेकिन मैं गाइज रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड थोड़ा जा सकता है, लेकिन डेली चार्ट में देखोगे तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में। तो कोई भी स्टॉक होता है मैं उसका उल्टा नहीं करता, यानी कि अप ट्रेंड स्टॉक को मैं कभी भी सेलिंग रेकमेंड नहीं करता, और जो साइन डाउन साइड होता है उसको मैं कभी बाइंग रेकमेंड नहीं करता। इसलिए अगर आप सोचो कि इसके नीचे जाएगा तो सेल कर सकते हो, लेकिन वो आपको पता नहीं है वो कितना नीचे जाएगा, मे बी 1-2-3 रुपये जाके फिर से डे एंड में बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाए, यानी कि इसमें आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक को बाई करना है और डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को सेल ही करना है, उल्टा करने की ट्राई नहीं करना। तो आपको इसको बाय करेंगे, 729 के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, और 712 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 750 और 770 का टारगेट वो भी 1 से 3 दिन में आ सकता है, लेकिन आपको कंडीशनल बाइंग करने की वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो अभी ले रहा है, अभी कल देखते हैं कि स्टॉक कहाँ पे जा रहा है। तो ये तीन स्टॉक हो गए जो बाइंग साइड पे रहेंगे। अभी मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है टाटा केमिकल, जो कल भी मैंने सेल साइड में दिया था, आज फिर से सेल साइड में दे रहा हूँ। उसके पीछे का आपको रीजन पता ही होगा, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट यानी डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, टाटा केमिकल। तो स्टॉक कर क्या रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो देखो स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट का सीधा गैप डाउन दिया, लेकिन 2-3 कैंडल के बाद फिर से ऊपर चला गया, यानी कि आप इसको सपोर्ट मान सकते हो, क्योंकि ये गैप डाउन हो गया था, इसलिए फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे फाइनली उसने सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। ब्रेकडाउन दिया यानी कि उसका जो सपोर्ट एरिया था वो क्या हो गया, रिजेक्शन एरिया का। अभी स्टॉक ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन मार के नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन आप 4 दिन से देखोगे तो एरिया में स्टॉक पॉज मार रहा है। पॉज मार रहा है यानी कि स्टॉक क्या से डिसीजन नहीं ले पा रहा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो आप देखोगे तो उसका ये सपोर्ट एरिया अभी आपने मान सकते हैं कि रिजेक्शन एरिया हो सकता है, और स्टॉक के ऐसे नीचे जाने के बहुत हाई चांस है। तो अभी करना क्या है, तो आप देखोगे तो बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसके अंदर ही 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, देखोगे तो ये इनसाइड बार बन रहा है। तो आपको ये जो बड़ी सी मदर कैंडल भी बोल सकते हो इसको, उसका जो लो ब्रेक होगा तभी आपको इसको स्टॉक को सेल करना है, और कल समझो कि स्टॉक ऐसे नीचे की साइड जाता है तो इसमें फिर से स्टॉक नीचे अच्छी रैली नीचे की साइड दिखा सकता है। तो टाटा केमिकल को आपको सीएमपी पे सेल नहीं करना, 837.85 है तो सेल बिलो 728, कल के ट्रेड में भी यही लेवल दिया था, 728 के नीचे ही आपको सेल करना है। अगर नीचे की साइड एक्टिव हो जाता है तो एक ग्रीन कैंडल का जो हाई था वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कि 745 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट नीचे की साइड लिमिटेड ही रहेंगे, 810 और 800 का टारगेट, वो भी टाइम पीरियड 1 से 3 दिन में आ सकते हैं। तो इसमें सेलिंग साइड में मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि सेलिंग साइड में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते रहते हैं। अपने बाइंग साइड में तो क्या होता है कि स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाता है, यानी कि प्रीवियस में उसका कोई रेसिस्टेंट होता नहीं है तो वो स्टॉक ऊपर जाता रहता है, लेकिन सेलिंग साइड में ऐसा नहीं होता। आप देखोगे तो मंथली और वीकली में जाके तो कहीं ना कहीं सपोर्ट नड़ते ही रहते हैं, इसलिए नीचे की साइड गिरावट बहुत कम आती रहती है। तो इस स्टॉक को नीचे आएगा तो भी आप 800 और 810 के प्राइस पे वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सॉरी गाइज, टारगेट में गलती हो गई एक्चुअली, इसका एक मिनट, टारगेट तो सही लिखा है, सेल बिलो जो लिखा है वो गलत लिखा है, एक्चुअली 728 के नीचे नहीं है, 828 के नीचे आपको सेल करना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आपको 828 के नीचे सेल करना है और 845 का आपको क्या लगाना है,
स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, सीएमपी 837 है। तो ये सेलिंग साइड का अपना स्टॉक हो गया, टाटा केमिकल 828 के नीचे जाएगा तो नीचे की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। अभी गाइज मैं आपको पांचवा और आखिरी स्टॉक दूंगा जिसका नाम है विप्रो। तो विप्रो कोई इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, ये आप देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस दे रहा हूँ मैं आपको। इसके पीछे का लॉजिक देखो क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है इन्वेस्टमेंट पिक, यानी कि अगर आप पोर्टफोलियो में लेना चाहते हो कोई स्टॉक का, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि 6 महीने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि विप्रो, आपको पता ही होगा विप्रो कंपनी कैसी है, लार्ज कैप में अच्छी कंपनी है, तो ऐसे स्टॉक में जब भी आपको बहुत सस्ते में कोई स्टॉक सपोर्ट के आसपास मिलता है तो ऐसे स्टॉक को आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक है, आप कम रिस्क में मिल रहा है। कम रिस्क में कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हो स्टॉक का नाम विप्रो है, इन्वेस्टमेंट पिक है। इन्वेस्टमेंट पिक यानी कि आप पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो, और सपोर्ट जोन है उसका 397 380, बहुत लिमिटेड है, यानी कि यहाँ से गिरने के ना के बराबर चांस है, आप इसमें आराम से पैसे लगा सकते हो। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, तो देखो स्टॉक कर क्या रहा है, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, वीकली चार्ट है, फिर से फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी फाइनली ऊपर गया। अभी देखो एग्जैक्ट उसका जो प्रीवियस सपोर्ट था 2021 में मार्च में सपोर्ट लिया था करीब 397 के आसपास, तो उसने स्टॉक अभी कर क्या रहा है देखोगे तो यहाँ पे 402 का लो मारा, फिर से ऊपर गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये उसका क्या हो गया, पहले ये उसका, अभी देखो ये पहले स्टॉक का क्या हुआ करता था, रिजेक्शन एरिया हुआ करता था, फिर नीचे से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, यानी कि अभी ये डिमांड जोन हो गया, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से फंस सकता है और ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है। यानी कि कौन सा एरिया है आप देखोगे तो सपोर्ट जोन कौन सा है, 397 और 380 का जो है उसका एरिया, वो ये उसका क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक लेना है तो विप्रो को आप पावर बंद करके ले सकते हो, क्योंकि आपको कम रिस्क में मल्टी बैगर स्टॉक मिला। कम रिस्क कैसे, अभी सीएमपी देखोगे तो उसका कितना है, 406 के करीब सीएमपी है, तो आप समझो अगर स्टॉक यहाँ से गिरता भी है तो आपको एसआईपी के मोड में भी बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको फिक्स रहेगा 380। अगर 380 के नीचे वीकली क्लोज देता है तो आप उसमें से आंख बंद करके नीचे एग्जिट कर सकते हो, फिर स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके चांस कितने, आप देखोगे तो 5 से 10% चांस है, ऊपर जाने के चांस 90% है, और समझो कि आप 407 पे भी लेते हो, 380 के आसपास स्टॉप लॉस लगाते हो तो 30 रुपीज की गैप है, यानी कि आपका रिस्क कितना रहेगा, 30 रुपीज का, यानी कि 7 से 8% के रिस्क में आपको मल्टी बैगर स्टॉक मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आप में इसमें मतलब ऊपर जाने के बहुत हाई चांस होते हो, और आप ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, तो ये स्टॉक आप ले सकते हो, इसका एरिया में आप सपोर्ट कहीं ना कहीं स्टॉक लेके ऊपर जा सकते हैं। अगर जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो उनको भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो स्प्रेड बना सकते हैं। स्प्रेड कैसे बनाओगे तो वो अलग सेटअप है, पूरा मैं आपको बताऊंगा कल, अगर टाइम मिलेगा, इसमें थोड़ी भी गिरावट आएगी तो वहां पे अपने स्प्रेड बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा सेम सेटअप में मैंने एक दिया था, कौन सा स्टॉक दिया था, कोटक महिंद्रा बैंक, वहां तब भी मैंने बोला था कि ये स्टॉक ऐसे, इस स्टॉक को कोई गिरा नहीं सकता। आप देखोगे तब कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस था करीब कितना था, 1650 के करीब था, तब मैंने बोला था, अभी वो स्टॉक 1750 चल रहा है। तो ऐसे बहुत, अगर आप समझो वो स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में ले लेते, वीकली चार्ट में जो सपोर्ट होता है वो बहुत अहम होता है, वो स्टॉक वहां से गिरने के ना के बराबर चांस होते, तो ऐसे स्टॉक आपको क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो में लेने चाहिए। अगर समझो आप कोटक बैंक ले लेते तो आराम से उसमें भी प्रॉफिट में बैठते, ये स्टॉक भी आप लोगे तो आराम से आज नहीं तो कल स्टॉक ऊपर ही जाने के बहुत हाई चांस हो जाते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं स्टॉक फंस सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आपको लेने चाहिए। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से आपको बता दिया। तो गाइज मैंने आपको व्यूज बता दिया, निफ्टी का व्यू तो ऑलरेडी अपना बाइंग साइड पे 15900 के स्टॉप लॉस से आपको बाय करना है, टीआई इंडिया भी आपको कंडीशनल बाइंग नहीं है, ओपन प्राइस पे जो भी मिले वहाँ पे बाय करना है, ए इंजीनियरिंग रहेगा वो कंडीशनल बाइंग रहेगा, केपीआई ग्रीन भी कंडीशनल बाइंग रहेगा, टाटा केमिकल कंडीशनल सेलिंग रहेगा, और इन्वेस्टमेंट पिक में विप्रो रहेगा जो सपोर्ट एरिया के आसपास में, वीकली चार्ट में तो आप लोगे तो आराम से इसमें ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है स्टॉक। तो ये हो गए अपने आज के एनालिसिस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी मतलब कुछ भी होता है शेयरिंग करता रहता हूँ। जैसे आपको पता होगा आज मैंने एक दिया था, कौन सा दिया था आपको, एक बजाज फाइनेंस दिया था, चालू मार्केट में ही दिया था, आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें मैं आपको सब बताता हूँ। तो ये देखोगे तो मैंने क्या बोला था आपको, बजाज फाइनेंस का मैंने शेयर किया था,
आज चालू मार्केट में ही शेयर किया था। यहाँ पे जब बजाज फाइनेंस चल रहा था 11,970 के करीब चल रहा था, वहां पे मैंने देखो लिखा था कि याद है ना ये स्टॉक, यानी कि बजाज फिनसर्व था। बजाज फिनसर्व यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि आपको देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, मतलब मोबाइल से कैप्चर किया था। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, फिर से रिजेक्शन उठ गया। तो 11,970 से अभी बजाज फिनसर्व देखोगे तो 11,770, यानी कि 200 पॉइंट के नीचे की साइड इसमें गिरावट आ गई। तो ऐसा में कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, तो आप भी सीखते रहोगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हो, और आप भी आराम से सीख सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, प्लीज वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।